हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट। और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तुम, जहाँ पे भी होगे, घर पे होगे, क्लास में होगे, कहीं तो भी, है ना, राइट। सो आज हम लोग देख लेते हैं साइंस 2 के बारे में। साइंस 2 में क्या क्या पोर्शन डिलीट किया है और कहाँ कहाँ पे बोर्ड हमको फंसाने की कोशिश कर सकता है। सेल्फ स्टडी दिया है लेकिन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। सो चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, तो आगे चलते हैं। पहले पेज ओके, हम लोग है लेसन नंबर 1, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। मस्त लेसन है एकदम। और इसमें देखो ये स्ट्राइक ऑफ करना है तुमको, देखो द सीक्वेंस से लेके थायमिन ऑफ डीएनए तक, ठीक है। लास्ट वाला लाइन नहीं उड़ाना है, इम्पॉर्टेंट। बाय द वे सेंट्रल डॉगमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीफ में पूछ सकता है, तो बहुत अच्छे से करना है इसको। नेक्स्ट वाले पेज में पीक इनटू हिस्ट्री को निकालना है तुमको। और ये एवोल्यूशन पार्ट में देखो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से निकाल के देखो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ, दिख रहा है तुमको पेज नंबर 3, है ना। सो यहाँ तक आपको उड़ा देना है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। तो काफ़ी अच्छा है, चलो दो पैराग्राफ तो कम किया इन्होंने। साइंस 1 में तो हमारे साथ धोखा हुआ है, साइंस 2 में तो कुछ कम किया है। पेज नंबर 4, कैन यू टेल और यूज ऑफ ICT, निकाल दो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक अगर तुमने अपना पेन और पेंसिल और ये सब मार्किंग के लिए नहीं निकाला है तो फिर पॉज करो वीडियो को और पहले कर लो, ठीक है। देन यूज़ ऑफ ICT हर जगह से निकाल दिया है, तो दे डोंट वांट यू टू यूज़ ICT। देखो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, इसमें तो मेरे को साइंस 1 में भी बुरा लगा था दैट ये साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी मेहनत किया होता है ना ये सब कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी लाने के लिए, और इन्होंने इसका ही नाम निकाल दिया। तो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट स्ट्राइक ऑफ करना है हमको, जहाँ पे भी दिखेगा। पेज नंबर 8 पे अगेन दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, महान महान साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन ओके, और लामार्क। बाय द वे लामार्किज्म आ सकता है एग्जाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है। इंटरनेट माय फ्रेंड निकाल दो। ये देखो ये वैसे भी अननेसेसरी था, जर्नी ऑफ ह्यूमन, इससे सिर्फ पता चलता है कि कितने टाइम पहले से हम लोग हैं और कभी तक है ना, तो ये निकाल दो। बाय द वे ये भी एक ब्रीफ है अच्छा खासा, जर्नी ऑफ ह्यूमंस जो है ये ब्रीफ इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। सेकेंड वाले लेसन में कैन यू रिकॉल, देखो ये सारे क्वेश्चंस है ना सेल्फ स्टडी के लिए इन्होंने दिए हैं। एक बार आई वुड सर्टनली रिकमेंड यू, एक बार तो बराबर इसका आंसर ढूंढ के वहीं पे टेक्स्ट बुक में लिख दो ओके, और ये एक बार ज़रूर एग्जाम के टाइम आपको देख के जाना है, ठीक है। जहाँ पे भी ये सेल्फ स्टडी रहेगा, मैंने ये समथिंग रेड कलर का मार्किंग किया होगा, जहाँ पे लैब के लिए होगा वहाँ पे ब्लू होगा, ठीक है। सो ये लैब और सेल्फ स्टडी वाले ना एक बार हमको ज़रूर देख के जाने। फिर ये स्ट्राइक ऑफ कर दो, यूज़ योर ब्रेन पावर एंड कैन यू रिकॉल, ठीक है। वो लोग चाहते भी नहीं है तुम लोग अपना ब्रेन पावर यूज़ करो, देखो सारे उड़ा दिए मैंने। ऑब्जर्व, ये देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्व, ये पैराग्राफ को नहीं उड़ाना है तुमको, याद रखो पैराग्राफ को कुछ नहीं करना, ये ऑब्जर्व वाला सिर्फ फिगर वगैरह सब निकाल दो। कैन यू टेल निकाल दो, ATP निकाल दो नेक्स्ट पेज पे। ये है पेज नंबर 14, ATP निकाल दो। पेज नंबर 15, साइंटिस्ट निकाल दो। पेज नंबर 16, कैन यू टेल निकाल दो एंड ऑलवेज रिमेंबर निकाल दो। पेज नंबर 16 पे ऑलवेज रिमेंबर और कैन यू टेल निकाल दो। पेज नंबर 17, यूज योर ब्रेन पावर, इंटरनेट माय फ्रेंड और कैन यू टेल, निकाल दो तीनों। यूज योर ब्रेन पावर, इंटरनेट माय फ्रेंड और कैन यू टेल, निकाल दो। पेज नंबर 17 पे है ये। पेज नंबर 18 पे कैन यू रिकॉल, निकाल दो ओके। बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि ये एक बार आप ज़रूर देख के जाओ, कैन यू रिकॉल ये शेप ऑफ क्रोमोजोम और उसके पार्ट्स एक बार ज़रूर देख के जाना, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये लैब के लिए है, प्रैक्टिकल्स के लिए है, ट्राई दिस पेज नंबर 20 का, ठीक है। सो ये एक बार ज़रूर देख के जाना है ओके, डिफरेंट डिफरेंट फोटोज़ में कैसा दिखता है ना अपने लैब में, ये सारे स्टेजेस कैसे दिखते हैं एक बार ज़रूर देखना है।
देन यूज योर ब्रेन फॉर ICT एंड बुक्स माई फ्रेंड, निकाल दो। आ गया फिर से सेल्फ स्टडी, एक बार जरूर पढ़ के जाना है। पेज नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 है ना, कैन यू रिकॉल, ये एक बार जरूर देख के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 24 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ निकाल दो। पेज नंबर 25 पे ये ट्राई दिस जो है ना, टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड ऑफ भाकरी, वो निकाल दो, यहाँ तक ड्रॉ इट्स डायग्राम तक। ओके, स्पोर फॉर्मेशन टॉपिक उड़ाया नहीं है, माइंड यू स्पोर फॉर्मेशन टॉपिक है, सिर्फ ये ट्राई दिस वाला जो पार्ट है टेक अ पीस से लेकर ड्रॉ इट्स डायग्राम तक, वो निकाल दो। पेज नंबर 26 लेट्स थिंक निकाल दो। पेज नंबर 27 पहले तीन पैराग्राफ निकाल दो। पेज नंबर 27 डू यू नो और ICT निकाल दो। पेज नंबर 28 ट्राई दिस निकाल दो। पेज नंबर 29 सरप्राइजिंग फैक्ट्स, ये क्यों निकाला मुझे नहीं पता, एक मार्क का अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें से आ सकता था। पेज नंबर 29 ये सरप्राइजिंग फैक्ट्स निकाल दो। पेज नंबर 30 डू यू नो निकाल दो, ये भी 9th स्टैंडर्ड वाला था ये। पेज नंबर 30 डेवलपमेंट एंड बर्थ निकाल दो। 31 कैन यू टेल निकाल दो। ओके, बाय द वे इस पेज में ये ऑलवेज रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। डायग्राम तो जनरली इतना नहीं वो बनाने के लिए बोलेगा, एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पेज नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरोगेसी, ये ट्विन्स, ठीक है। पेज नंबर 33 मैं सोच रहा हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, विल सी दैट। पेज नंबर 33 इंटरनेट माय फ्रेंड निकाल दो, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताना। ओके, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स हम लोग देखेंगे क्या करना है। पेज नंबर 34 ये दो पैरा निकाल देना, ये बॉक्स और ऊपर वाला पैराग्राफ। ओके, बाय द वे ऊपर वाला पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, आई वुड रिकमेंड एक बार देखना ज़रूर जो ये पैराग्राफ है ऊपर वाला, इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, ठीक है। लेसन नंबर 4 कैन यू रिकॉल थिंक एंड आंसर निकाल दो। कंप्लीट द चार्ट निकाल दो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 37 पे कंप्लीट द चार्ट, इकोसिस्टम वाला सब निकाल दो। पेज नंबर 38 पे हूँ मैं, कैन यू रिकॉल निकाल दो। पेज नंबर 38 पे ही नीचे ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन निकाल दो। पेज नंबर 39 पे जो चार्ट है कंप्लीट द चार्ट निकाल दो, काफ़ी इजी था वैसे ये, बट चलो निकाल दो। पेज नंबर 40 डू यू नो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन निकाल दो। पीक इनटू हिस्ट्री निकाल दो, पेज नंबर 40 पे हूँ मैं, पीक इनटू हिस्ट्री निकाल दो, नीचे का कंप्लीट द चार्ट निकाल दो। पेज नंबर 41 ये सब निकाल दो, डू यू नो लेट्स डिस्कस इंटरनेट और ऑलवेज रिमेंबर, कट इट ऑफ। पेज नंबर 42 लास्ट वाला बॉक्स निकाल दो। पेज नंबर 43 हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड बॉक्स से निकाल दो, और नीचे का येलो कलर का बॉक्स है देखो, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है वो निकाल दो। इस लेसन में इम्पॉर्टेंट इसके वो सिंबल्स तुमको पढ़ने हैं अच्छे से, कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है, आ सकता है, देखो येल्लो निकाल दिया, येल्लो। थिंक एंड आंसर निकाल दो ऊपर वाला, राइट, व्हाट आर योर रोल्स। तो ये चार्ट है ना एक्चुअली निकाल दिया है ये लोग ने, थिंक एंड आंसर का ही पार्ट है वो, विच रोल वुड यू लाइक टू, है ना।
सो आई वुड रिकमेंड दैट ये एक बार ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में शायद पूछ सकता है, सो ये कट मत करो, ये एक बार देख के जाना ज़रूर। देन पेज नंबर 45 पे रिकॉल अ लिटिल निकाल दो, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पे ही देखो ये तीनों को उड़ा दो, थिंक ऑलवेज रिमेंबर एंड डू यू नो। प्रोजेक्ट निकाल दो पेज नंबर 46 लास्ट, पेज नंबर 47 पे कैन यू रिकॉल और मेक अ टेबल निकाल दो, पेज नंबर 49 पे नीचे यूज ऑफ आईसीटी निकाल दो, और ये जो ऊपर तीन पैराग्राफ हैं ये सेल्फ स्टडी के लिए दिए, एक बार जरूर पढ़ के जाना है। दिस इज हाउ थर्मल पावर प्लांट वर्क्स एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, कूलिंग टावर का क्या काम है ना, सो ये एक बार देख के जरूर जाना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50, डू यू नो स्ट्राइक ऑफ, पेज नंबर 51 इंटरनेट उड़ा दो, पेज नंबर 51 कंपेयर निकाल दो, पेज नंबर 52 ये देखो प्लेस स्टेट कैपेसिटी निकाल दो, ब्लू कलर का डब्बा है। पेज नंबर 53 पे देखो ये लेफ्ट साइड में काफी बड़ा एक स्ट्राइक करना है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, क्या क्या हानि होती है एनवायरनमेंट को, ये निकाल देना है तुमको, ये निकाल दो, ये देखो दिख रहा है ब्लैक, ओके। और येल्लो वाला बॉक्स जो है ना वो वन टाइम रीड है, एक बार पढ़ना, येल्लो वाला बॉक्स है ना सेल्फ स्टडी के लिए उन्होंने दिया है, एक बार ज़रूर पढ़ना है, एक बार पढ़ो, सिर्फ एक ही बार, वन टाइम रीड, ठीक है, ये हो गया। अगर कभी स्किप भी हो गया तो वापस पीछे जाके देख सकते हो तुम। नेक्स्ट वाला पेज है पेज नंबर 54, यूज योर ब्रेन पावर निकाल दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाय द वे, चलो इन्होंने बोला निकाल दो, निकाल दिया हमने, ओके। पेज नंबर 55 डू यू नो निकाल दो, पेज नंबर 56 ये चक्री वाला तीन चीज दिख रहा है तुमको निकालो, एंड बाजू में गेट इन्फॉर्मेशन भी निकाल दो। देन नेक्स्ट, हाँ यस, ये रीड एंड डिस्कस इन क्लास, ऐसा पेज नंबर 57 में दिया है, ये भी वन टाइम रीड करना चाहिए, एक बार देख लो पेज नंबर 57, सिर्फ एक बार देखो, बाकी ऐसा याद करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, निकाल दिया है, ठीक है, सिर्फ एक बार तुमको देखना है, क्योंकि रीड एंड डिस्कस वाले चीज़ में इसको डाल के रखा है, ठीक है। सो ये एक बार ज़रूर देखना, सोलर सेल सीरीज़ में लगाते तो क्या होता है और पैरेलल में लगाते तो क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए। पेज नंबर 58 फाइंड आउट निकाल दो, पेज नंबर 59 ये येल्लो डब्बा डू यू नो निकाल दो, नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 61 पे कैन यू रिकॉल निकाल दो, बट एक बार देखो, देखो कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, यू कैन रेफर यूर 9th स्टैंडर्ड का बुक, 8th स्टैंडर्ड में भी था तुमको, बट ठीक है, ये एक बार देखना चाहिए, सेल्फ स्टडी में दिया है इन्होंने, कैन यू रिकॉल, इंपॉर्टेंट डब्बा है ये बाय द वे, लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड इंटू टू है ना, ये एक बार अच्छे से करके जाना। पेज नंबर 62 पे आओ, अच्छा खासा उड़ाया है, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन निकाल दिया है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन देखो यहाँ तक डॉर्सल साइड तक निकाल दिया है, निकाल दो ये देखो इतना बड़ा डिलीट, बाजू में जो ब्लू कलर का डब्बा दिख रहा है ना अच्छे से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पेज नंबर 63 पे लास्ट के देखो तीन लाइन, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन निकाल दो। देन पेज नंबर 64 पे देखो जो भी लिखा हुआ है निकाल दिया है, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, निकाल दिया है। पेज नंबर 65 पे भी देखो निकाल दिया है, देखो बिसाइड्स द फोर दिख रहा है तुमको, ये जनरली मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम है ना पूरा ही निकाल दिया, देखो ए कट है पूरा, अब देखना बी भी कट है, ये देखो सी भी कट है, और ये देखो डी भी कट है, ई भी कट है, दिखा तुमको राइट, सो ये ए बी सी डी सारे सेक्शन निकाल दो, ये देखो ग्रेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा उड़ा दिया है, देखो दिखा, यस ठीक है। सिर्फ पेज नंबर 65 पे ये ऑब्जर्व वाला जो है ना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। और नीचे देखो एक आदमी की सब बांधड़ियाँ बिंदड़ियाँ दिखाई है तुम लोग को, है ना। तो ऑर्गन्स लेबल करने के लिए बोला है, वो एक बार ज़रूर देख के जाना। SS लिखा है देखो जहाँ पे, मैंने सेल्फ स्टडी के लिए दिया है उन्होंने, उसको काटा नहीं है इन्होंने, ठीक है। सो यहाँ पे फंसाने का चांस है, ठीक है। सावधान अलार्म, ठीक है। सो बाकी पूरा पेज सब कट है, सिर्फ ये ऑब्जर्व इन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। सो ये देखना, हाँ ये जो टेबल है पेज नंबर 66, ये एक बार ज़रूर देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन बॉडी सिमेट्री, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटी, कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेज नंबर 68 पे। डू यू नो निकाल दो, पेज नंबर 68 पे ही सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन, दे डोंट वांट यू टू सरप्राइज, सी कोरोना सरप्राइजेस अस, तो ये निकाल दो। नेक्स्ट पेज नंबर 69 इंटरनेट निकाल दो, पेज नंबर 69 गेट इन्फॉर्मेशन निकाल दो, पेज नंबर 70 में लेट्स थिंक बुक्स और सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन, तीनों निकाल दो। देखो लेट्स थिंक येलो डब्बा, ग्रीन डब्बा, येलो डब्बा निकाल दो। देन नेक्स्ट पेज नंबर 71 पे पिंक कलर का बॉक्स है, डू यू नो निकाल दो। ये बाय द वे लास्ट लास्ट के ये जो पेजेस है ना, ये अच्छे से पढ़ना है तुमको, ये लेसन इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 74 यूज योर ब्रेन पावर निकाल दो। घड़ियाल और क्रोकोडाइल में क्या ये है, ठीक है। पेज नंबर 75 पे देखो तीनों पर्पल और दो येलो बॉक्स निकाल दो। नेक्स्ट लेसन नंबर 7 पे हम लोग पेज नंबर 77 लास्ट का पैराग्राफ निकाल दो। पेज नंबर 77 लास्ट पैराग्राफ उड़ाओ। पेज नंबर 78 लेट्स थिंक और डू यू नो निकाल दो। नेक्स्ट पेज नंबर 80 पब्लिक ऐसे भी परेशान रहता था याद कैसे रखना है, तो एक डब्बा इन्होंने कम कर दिया है। पेज नंबर 80 से ये बॉक्स निकाल दो, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस निकाल दो। पेज नंबर 81 यूज योर ब्रेन एंड सर्च निकाल दो। बाय द वे इस चैप्टर के जितने बचे हुए डब्बे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है तुमको, ठीक है। पेज नंबर 82 कैन यू टेल सेल्फ स्टडी के लिए है, एक बार इसका आंसर ढूंढ के टेक्स्ट बुक में ही लिख के रखो और एग्जाम के टाइम पे सिर्फ एक झलक इसको देखना है, ठीक है। कैन यू टेल ये वाला जो है पेज नंबर 82। देन नेक्स्ट पेज नंबर 83 लेट्स थिंक, पेज नंबर 83 लेट्स थिंक, ये भी सेल्फ स्टडी है, एक झलक सबसे अलग। देन पेज नंबर 84 कैन यू टेल, फिर से एक झलक, राइट। पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चन है ये, सो आंसर तुम खुद बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेज नंबर 85 इंटरनेट माई फ्रेंड निकाल दो। देन नेक्स्ट पेज नंबर 88 ऊपर का कैन यू रिकॉल, एक दो तीन चार क्वेश्चन है निकाल दो। ठीक है नीचे ऑब्जर्व है निकाल दो, ऑब्जर्व है निकाल दो। पेज नंबर 89 पहले दो पैराग्राफ निकाल दो, पेज नंबर 89 पहले दो पैराग्राफ निकाल दो, यूज योर ब्रेन पावर निकाल दो। पेज नंबर 90 इंटरनेट माय फ्रेंड निकाल दो। पेज नंबर 91 रिकॉल और ऑलवेज रिमेंबर निकाल दो। पेज नंबर 92 ब्लू कलर का बॉक्स है, डेवलपमेंट ऑफ बीटी इन इंडिया निकाल दो। देन नेक्स्ट पेज पे 93 पे यूज ऑफ ICT निकाल दो। देन पेज नंबर 94 पे डू यू नो निकाल दो, IISc बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है निकाल दो। पेज नंबर 95 पे इंटरनेट और ब्लू कलर का, ये इंपॉर्टेंट था एक्चुअली, इंसुलिन से क्या होता है, सोमेटोसाइटिन से, ठीक है ये सब, बट क्यों निकाला मेरे को नहीं पता, बट निकाल दिया चलो। सो ब्लू डब्बा और डॉली द शिप कैसे बनी वो भी निकाल दिया, हिस्ट्री मिटा दी उसने, ठीक है चलो हटाओ, तो ये हमको नहीं पढ़ना है।
देन नेक्स्ट पेज नंबर 96 में से क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज. इस लेसन में से जितना इंटरेस्टिंग चीज था वो निकाल दिया है शॉर्ट में. ओके इस लेसन में से जितना मजेदार चीज था वो निकाल दिया, बाकी सब बोरिंग बोरिंग रहने दिया. अदर अकॉर्डिंग टू मी बोरिंग आ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आई डोंट नो, लेट मी नो. पेज नंबर 97 कलेक्ट इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट निकाल दिया. एक सौ एक पेज नंबर पे आ गए हम लोग. ये देखो सेल्फ स्टडी के लिए रखा है इन्होंने. ओके 101 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ एक बार ज़रूर पढ़ना है, सेल्फ स्टडी के लिए रखा है इन्होंने. ठीक है कट नहीं करना है इसको. देन नेक्स्ट पेज नंबर 103 पे देखो थिंक निकाल दो, डोंट थिंक. और 103 पे कंपेयर है नीचे निकाल दो. 104 रिकॉल अ लिटिल निकाल दो. 105 इंटरनेट माय फ्रेंड निकाल दो. अब 105 पे से चालू होता है साइबर क्राइम और 106 तक जाता है. देखो यहाँ तक जाता है ना, देखो 105 से चालू हुआ साइबर क्राइम और 106 तक गया है. बट एक बार ज़रूर पढ़ना है इसको, सेल्फ स्टडी है ये, एक बार ज़रूर पढ़ना है और क्वेश्चंस पूछ सकता है. ओके सो ये ज़रूर पढ़ना है. देन पेज नंबर 106 पे डू यू नो निकाल दो, नहीं पूछेगा. जो ब्लैक में है वो सीधा डिलीट, टेंशन नहीं लेना. ओके जो ये रेड रेड में किया है ना सेल्फ स्टडी वो संभालना है, एक बार पढ़ना है. पेज नंबर 107 ऑलवेज रिमेम्बर निकाल दो. अब आगे हम लोग लास्ट चैप्टर पे. ठीक है ये है पेज नंबर 109 डिजास्टर क्या है, हैव यू एक्सपीरियंस इन योर एरिया, सेल्फ स्टडी है सो आंसर प्रिपेयर कर लो. ठीक है और एक बार ज़रूर देख के जाना, आंसर यहीं पे लिख लेना टेक्स्ट बुक पे. देन 110 पे लेट्स डिस्कस फिर से, सेल्फ स्टडी है तो एक मार्क का पूछ सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्स पूछ सकता है ना, तो ये रखना है आपको. पेज नंबर 111 फिर से सेल्फ स्टडी आ गई, देखो लेट्स थिंक. ओके जो भी बचे कुचे बॉक्सेस है ना साइंस 2 में वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले बॉक्स ही पढ़ने के, ठीक है उसमें से ज़्यादा आता, बॉक्सेस डायग्राम्स. ओके पेज नंबर 113 देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इस बार इन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है पढ़ के ज़रूर रखना इसको, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. देन नेक्स्ट वाला है पेज नंबर 115 सीधा उड़ाओ ये, ट्राई दिस और स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सीधा कट करो वैसे भी कुछ काम का नहीं था ये. ओके ट्राई दिस और स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और नीचे देखो गेट इन्फॉर्मेशन भी उड़ा दो. देन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 116 इंटरनेट माय फ्रेंड उड़ाओ. उसके नीचे एक येलो कलर का डब्बा लिखा है, वो सेल्फ स्टडी के लिए है, एक बार ज़रूर पढ़ना. मेरे को लगता है कि ये आ सकता है कि आपको बता देगा कि कितने डिवीजन है यहाँ पे, कौन सा फोर्सेस जो है वो काम करता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है ना. ऐसा भी बोल सकता है कि एक डायग्राम दे देगा, एक फ़ोटो दे देगा, एम्बलम जो है इनका सिंबल, और बोलेगा पहचानो ये क्या है ना, आपदा सेवा सदैव है ना, आपदा में सेवा करेगा सदैव. ठीक है सो ये सब सिंबल्स बहुत अच्छे से करके जाना है तुमको. पेज नंबर 117 सेल्फ स्टडी है, देखो ऑब्जर्व सेल्फ स्टडी है, ये तुमको नाइन्थ में भी था है ना, कौन सा एक्टिविटी है, कैसे एक पर्टिकुलर पर्सन बेहोश है तो उसको कैसे लेके जाओगे. पेज नंबर 117 देखो ये इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 117 ये कंप्लीट द चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड ये प्रिपेयर करना है तुमको. ठीक है उन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए रखा है बट ये प्रिपेयर ज़रूर करके जाना. देन नेक्स्ट वाले पेज पे पेज नंबर 118 पे ये गेट इन्फॉर्मेशन उड़ा दो, क्लासरूम एक्टिविटी है नॉट इम्पॉर्टेंट, उड़ा दो. ठीक है देन 118 पे इंटरनेट उड़ा दो. पेज नंबर 119 पे देखो सेल्फ स्टडी है, ऑलवेज रिमेम्बर क्या क्या करना है हमको अगर डिजास्टर आ गया तो है ना. सो ये सेल्फ स्टडी है, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर
लेसन से बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं लास्ट के जो है ना 9, 10 ये सब से। सो ये ऑलवेज रिमेंबर वाला जो है सेल्फ स्टडी एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। सो ये हुआ तुम्हारा लेसन ख़त्म। देखो ये चक्री बनाया है, ये तो उड़ा दिया अभी सिलेबस से, ठीक है। शेर की तरह तुम अच्छे से एग्ज़ाम में लिखो, है ना। और ये जो वेल बनाया है शायद से इन्होंने, उसकी तरह बहुत बड़े बनो, तितली की तरह तुम खुश रहो, है ना। सो राइट विद दैट होप एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओके। सो होप आपका एग्ज़ाम बहुत मस्त जाएगा, धमाकेदार जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।